हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको छोटे बच्चे की कैप बनाना बताएंगे बलियान के कपड़े से। सुंदर और फैंसी कैप बनाना बताएंगे। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा है 14.5 इधर और 14.5 ही इधर, दोनों तरफ 14.5-14 है। तो इसको, ये वाली जो कैप बनती है वो ऐसा स्ट्रिचेबल कपड़ा चाहिए। देखो ऐसा, या तो बलियान का हो या लाइक्रा वगैरह का आता है, कोई टी शर्ट हो ऐसे कपड़े में जो थोड़ा सा ये ऐसे मतलब बधे, ऐसा कपड़ा चाहिए। इसको एक बार तो ऐसे फोल्ड करें। इस बहुत सुंदर कैप लगती है बनने के बाद। और एक बार इसको ऐसे फोल्ड करें, डबल फोल्ड करके। अब देखना इस, मैं इधर से इसको देखूंगी, ये है 7 इंच पे, और फिर 7 पे ही इधर लगाऊंगी एक निशान। अब 7 पे ही मैं बीच में लगा लूंगी, फिर एक यहाँ से लगाऊंगी 7 पे, और एक यहाँ से लगाऊंगी 7। ये 7-7 पे बराबर निशान लग गए। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ये निशान लगाया है 7-7 पे, जो मैंने ये 14x14 का कपड़ा लिया है, मतलब 14.5 था, ये मेरा 4 साल का बेटा है, मैं उसके लिए बना रही हूँ। जो बच्चे का सिर होता है, उस सिर को जैसे मैं आपको मशीन से समझाऊंगी, ये देखो, ये बच्चे का जो ये हेड होता है, ये तो इधर से इंची टेप को ले और इधर तक जैसे माथे से और नीचे ठोडी लग नीचे तक नापे, उससे अंदाजा आ जाएगा। वो जितना भी है उतना ही कपड़ा लेना है, जितने इंच पे मेरे बेटे का ये गोलाई आई थी 14.5 इंच पे। तो 14x14 का ही मैंने ये लिया। अब ये कट कर दिया हमने। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, नहीं इस पर कोई सिलाई चलानी, कुछ नहीं करना, ऐसे इसको डबल के डबल रहने दे। और एक मोटी सुई लेके उसमें धागा पोके ऐसे छोटे छोटे टके लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे में ये टके लगा लिए। अब करना क्या है, हमको इसको ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे। पूरा खींच के इसको, और जो मैंने ये छोड़ा था यहाँ, तो मैंने मतलब पूरे में लगा दिया, और यहाँ 1 इंच में छोड़ के टक्का लगाना शुरू किया था। अब ये इस पे रख देंगे, इसको इस पे। मतलब फुल खींच दे इसको, खींच के एक बार फिर से टक्का इसमें लगाएं ऐसे। जो मैंने ये 1 इंच छोड़ा था, इस पे ऐसे टक्का लगेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इधर से सुई पिरोएंगे और इधर 1-2 प्लेटों में निकाल देंगे ऐसे, और इसको पूरा खींच देंगे, इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, यहाँ से अच्छे से बंद करेंगे। बंद करने के लिए 1-2 टाका इधर और लगाएंगे,
ऐसे प्लेटों से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा बंद कर दिया ये। ये हो गया। अब हमें इसको छुपाने के लिए इस पर क्या करना है, ये देखिए ये मेरी जूड़ा वाली जो पिन होती है वो है उस फ्लावर वाली, इसको तो निकाल लेंगे और इस फ्लावर को यहाँ लगाएंगे। और आप ये मशीन से भी कपड़े का भी फ्लावर बना सकते हो, कुछ भी लगा लो आपकी मर्जी है, या आप इस पर बटन भी लगा सकते हो कपड़े वाले जो बटन होते हैं, या कोई और मोटे फैंसी जो बटन होते हैं वो भी लगा सकते हो। तो मैंने ये फ्लावर लगा लिया, ये फ्लावर भी कपड़े वाला ही था तभी मैंने लगा लिया। ये फ्लावर भी दो तरह के आते हैं, एक तो आता है कागज वाला, थोड़ा वो फोम सा होता है, जो हमारी ये वाइट कलर की जो बुकरम फोम वाली है ना उस फोम में होता है ये फ्लावर, और एक ये वाला है कपड़े में। तो कपड़े में था ये, तब मैंने इसमें लगा लिया। इसको हम अच्छे से अंदर की तरफ लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बनके तैयार हो गई हमारी। कितनी सुंदर कैप है बच्चे की, नहीं कोई मशीन का चक्कर नहीं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बच्चा, मेरा बेटा है तो 4 साल का, लेकिन उसका सर बिल्कुल छोटा सा है। मेरे बेटे को ये फिट आएगी, आप उसके जिस बच्चे का हेड होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाएं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए ये टोपी, ये इधर से ऐसी है और ये इधर से ऐसी है, ये देखिए।